नाजरीन, जिला रामबन और तहसील राजगढ़ से एक दुखद भरी खबर सामने आ रही है और ये खबर जो है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खबर क्या है, खबर को हम ज़रा आपको बताते चले जो हम तक डिटेल मौसूल हुई है राजगढ़ इलाके से। एक फैमिली के ऊपर बियर अटैक जो हुआ है, ये जिला रामबन और तहसील राजगढ़ गड्डी नाला के बीच में जो बंदे घास काट रहे थे वहाँ पे, तो अचानक जंगली जानवरों ने उन पे हमला बोल दिया, यानी ब्लैक बेयर। आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले बड़ी दहशत मच रही थी कि कास्तीगढ़ इलाके में जी भी बहुत सारे दहशत मची हुई थी कि जंगली जानवरों ने बहुत ही लोगों पे हमला बोल दिया था और बहुत ही यहाँ पे कहीं सारे लोगों को जख्मी भी किया। और खबर जो है आज की रामबन जिले और तहसील राजगढ़ से जो निकल कर के सामने आ रही है, एक ही घर के जो फैमिली जो थी, एक मियाँ बीवी के ऊपर अटैक किया गया है। आपको बताता चलूँ कि डिटेल बताता चलूँ कि ये फैमिली जो है ठीक 4:30 बजे अपने खेत में घास कटाई कर रहे थे, जिनका नाम है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इनका नाम है परशोत्तम सिंह, जो राजगढ़ के ही रहने वाले थे, और उसकी ही बीवी यानी कि बीना देवी उनका नाम है। वहाँ के सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि जो बीना देवी है उसको सीरियस इंजरी कर दिया है और अभी तक उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वहाँ पे तो भर्ती करवाया जा रहा है, लेकिन बीना देवी जो है वो सीरियस है। आप विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं कि बीना देवी जो है, पर जो है एक दुख भरी खबर जो आपके सामने रख रहा हूँ। तहसील राजगढ़ और जिला रामबन और तहसील राजगढ़ गड्डी नाला के बीच में 4:30 और 5 बजे के बीच में जो हमला है, ये ब्लैक बेयर जो जंगली जानवरों ने किया है, ये एक फैमिली के ऊपर अटैक किया है जिसमें वो फैमिली अब घास कटाई में मशहूर थे, और उसके बाद उनको जिला रामबन में भर्ती करवा दिया। अभी भी कुछ डिटेल जो है डिटेल आने बकाया है, बाकी है, और जैसे भी हमें कोई डिटेल वहाँ से मौसूल होती है वैसे ही हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।